कर्मचारी कांग्रेस की वार्षिक साधारण बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें कर्मचारियों की समस्याएं रखी गईं, साथ ही उनके निदान के प्रयास की भी बात कही गई। फरवरी में होने वाली कर्मचारी संघ के चुनाव की रणनीति भी तैयार की गई। गुना जिले के सभी कर्मचारी साथियों का भी भला होगा, साथ में प्रदेश के सभी कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। मैं इस कड़ी में आज के सभा के आदरणीय अध्यक्ष जयनंद जैन साहब, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला गुना के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय यशवंत शर्मा जी, उपस्थित सभी साथियों, मातृशक्ति बहनें, आदरणीय लक्ष्मीकांत जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मध्य प्रदेश तहे दिल से समर्थन करता हूं और ये वादा करता हूं हम लोग पूरे दम के साथ इस कार्य में लग जाएंगे और हर हाल में हमें इसमें सफलता मिलेगी। साथ ही मैं एक और निवेदन, आज कर्मचारी कांग्रेस की वार्षिक साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जिले के जो कर्मचारियों की छोटी छोटी समस्या है उनको एकत्रित कर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ये बैठक बुलाई गई है। और हमारी चूंकि फरवरी माह में नवीन कार्यकारिणी का गठन पूरे प्रदेश स्तर पर किया जाता है, आज नवीन कार्यकारिणी के गठन के लिए भी इस बैठक में एजेंडा है और कर्मचारियों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए भी आज की बैठक का आयोजन किया गया है। कर्मचारी कांग्रेस परिवार विगत 25 वर्षों से कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी संघर्ष करती रहेगी और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कर्मचारी कांग्रेस हर हमेशा तत्पर रहेगी।